मेहुल एक तेजी से भागते हुए चोर का पीछा कर रहा है। चोर बहुत तेज है तो मेहुल चोर को पकड़ने के लिए बाइक उठा लेता है, लेकिन फिर भी चोर को नहीं पकड़ पाता है। कहाँ से आया है ये चोर और ये चोर इतना तेज कैसे भागता है? मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। कुछ दिनों पहले चार घरों में चोरियां हुई थी। मेहुल वह इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाता है। सबसे पहले चोरी ये बीच वाले घर में हुई थी, दूसरी चोरी ये वाले घर में हुई थी, और तीसरी चोरी ये वाले घर में हुई थी, और चौथी इस घर में हुई। सिंगल हाउसेस में चोरियां करता है। चारों हाउसेस नो फ्लोर्स वाले हैं, मतलब वो ऐसे घर ढूंढता है जिनमें फ्लोर नहीं है। मेहुल पहले घर में पूछताछ करने के लिए अंदर जाता है। मेहुल घर के ओनर राज से मिलता है। राज बताता है कि चोरी दिन के समय में हुई, मैं घर में ही था, किसी ने डोर नॉक किया। मैंने डोर खोला तो तेज हवा के जैसे कोई अंदर आया और घर में दौड़ने लगा। उसने घर की चीजें उठाई और तेजी से दौड़ते हुए घर के बाहर चला गया। वो इतना तेज था कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। इंटरेस्टिंग, कोई इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है? फिर मेहुल बाकी घरों में भी गया जहाँ चोरियां हुई थी, और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हुआ। मेहुल घर के नंबर्स देखता है तो पहली चोरी हाउस नंबर 2 में हुई थी, दूसरी 6 में, तीसरी 8 में और चौथी 10 में। मेहुल समझ जाता है कि तो चोरी इन चार घरों में से ही किसी में होगी। अब चोरी नो फ्लोर वाले घर पे हो रही है और इनमें सिर्फ घर नंबर 18 ही विदाउट फ्लोर है, तो चोर यही चोरी करने आएगा। मेहुल पहले से ही हाउस नंबर 18 में पहुंच जाता है और चोर का इंतजार करने लगता है। शाम होते ही डोरबेल बजती है। मेहुल डोर ओपन करता है तो तेजी से एक आदमी अंदर आता है। फटाफट स्पीड में घर का सामान उठाता है और उतने ही स्पीड में भागने लगता है। इतनी स्पीड कि मेहुल कुछ देख ही नहीं पाया। मेहुल उसका पीछा करने की कोशिश करता है, बाइक से भी पीछा करता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता। कौन है ये? कोई एलियन तो नहीं या कोई जादूगर है ये? मेहुल इस बात का पता करने के लिए भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास जाता है। ये साइंटिस्ट अपने तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया रास्ते बना देता है। आप देखिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, जो साइंटिस्ट तक जाता है। मेहुल साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने तेज भागने वाले शूज बनाए थे। उसने ये इंडियन आर्मी के लिए बनाए थे, जिससे आदमी तेज भागे और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे, जो उसके लैब से चोरी हो गए हैं। शूज को मैंने एक लॉकर में छुपा रखा था और उसके बारे में किसी को नहीं पता था। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि शूज चोरी कैसे हो गए। क्या आप इस लॉकर को देख के बता सकते हैं? लॉकर को खोलने का कोड स्क्वायर है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो उसका वैल्यू है 12। मतलब स्क्वायर के चार कॉर्नर्स और ट्रायंगल के तीन कॉर्नर, तो 4×3 हो जाएगा 12। वैसे ही सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, सर्कल के 0 कॉर्नर्स और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स, तो 4×0 0। मतलब बाहर और अंदर के नंबर ऑफ कॉर्नर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है, ट्रायंगल के तीन कॉर्नर और लाइन के 2, तो हो जाएगा 3×2 6। कोड 6 से ही तिजोरी का लॉक खोला गया था और चोर शूज लेके भाग गया था। मेहुल साइंटिस्ट से पूछता है, क्या तुम श्योर हो शूज के बारे में किसी को नहीं पता था? तो साइंटिस्ट सोचता है और